हैं इस नदी का गांव नजर आ रहा है किश्वा के नाम से जो है, इसलिए लोग एरिया को एरिया के नाम से और जैसा कि बाइबल मुकदस में लिखा भी है। और ये हम ग्राउंड के शुक्रगुजार हैं, ये बख्शा है कि हम आज ये जगह देख सकें और ये एरिया पहाड़ी का। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं इस जगह का नाम एलिजा हिल है, यानी कि एलिया की पहाड़ी। और ये एलिया की पहाड़ी के साथ ही तिशबा गांव है वो नीचे है जहां पर एलिया नबी पैदा हुआ और उनका घर था, और इसीलिए एलिया नबी को एलिया तशबी के नाम से पुकारा जाता था। और ये एलिया की वो जगह है जहां पर वो अक्सर आराम करते, दुआ करते। और ये देखें लोग, गैर मजहब के लोगों ने ये अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए ये देखें मुख्तलिफ चीजें लगाई हुई हैं, पट्टियां बांधी हुई हैं, कलर रुमाल बांधे हुए हैं दूसरी साइडों का, ये कलर रुमाल बांधे हुए हैं। और ये लोगों की अपने ईमान के मुताबिक वो यहां से अपने ईमान के मुताबिक वो सोचते हैं कि शायद हमें इनके वसीला से यहां पर शिफा मिलती है और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। आए हम दूसरी जगह। मसीह खुदावंद के नाम में आइज़ैक टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मुनीर भट्टी का सलाम पहुंचे। आज हम यहां पर मौजूद हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये गार है। इस गार के मुतालिक ये मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर आते रहे, अपने शागिर्दों को तालीम देते रहे और अक्सर वो इस गार में रहते थे। ये हम हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त उस गार के नजदीक हैं और जहां पर खुदावंद यीशु मसीह आते रहे। और ये वही रास्ता है कि जहां से खुदावंद यीशु गुजरते रहे, और आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि जहां पर खुदावंद यीशु गुजरते रहे आज उन्हीं कदमों के ऊपर हमारे कदम भी हैं। ये देखें ये वो गार है जो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर आराम करते थे, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि ये देखें, ये हमारी खुशकिस्मती देखें कि यहीं से खुदावंद यीशु मसीह गुजरते थे। और आज का दिन मुबारक दिन है हमारे लिए कि आज हम उन्हीं रस्तों पर जिन रस्तों पर यीशु चलते थे, और यही वो दरवाजा है गार का जिस गार के दरवाजे से खुदावंद यीशु मसीह गुजरते थे। ये हमारी मैं खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ, जलाल के बादशाह तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने ये मौका बख्शा कि हम यहाँ पर आए, तू मुझे लेकर आया ताकि खुदावंद यीशु मैं तेरी उन जगहों को देख सकूं और अपने दिल में खुदावंद यीशु इस एहसास को रख सकूं कि तूने हमारी दुख हमारी खातिर बहुत से दुख सहे। और जलाल के बादशाह ये मेरे लिए शुक्रगुजारी का दिन है कि आज मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां तेरे कदम लगे थे। खुदावंद यीशु मैं इस धरती को चूमता, जलाल के बादशाह मैं इस धरती की मिट्टी को चूमता। वो सामने गलील की झील का मंजर जहां खुदावंद यीशु मसीह और पतरस शागिर्द और दूसरे यहां पर मछलियां पकड़ा करते थे, तो ये वो गलील की झील है। और आज मैं अपने आप को मुबारक समझता हूं कि खुदावंद ने ये बख्शा कि आज हम इस पूरे ग्रुप के साथ यहां पर पहुंचे। और ये देखें ग्रुप के मुख्तलिफ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आज उनकी कैफियत देखने वाली है, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख रहे। ये खुदावंद का शुक्र है कि आज जैसे वो बाइबल में पढ़ते रहे हैं मगर आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो गलील की झील जिसका बाइबल में जिक्र था मगर आज हमारी आंखों के सामने है, झील का नजारा हम कर रहे हैं, इसराइल शहर का नजारा कर रहे हैं, सामने शाम की पहाड़ियां देख रहे हैं और दूसरी तरफ फलस्तीन है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, तूने ये बख्शा ये मुमकिन किया कि हम लोग यहां पर पहुंचे, यीशु तेरा शुक्र। ये देखें जैसे हम गलील की झील देख रहे हैं वो सामने, जरा मैं चाहूंगा वो सामने इसराइली आबादी भी दिखा दी जाए क्योंकि वो सामने इसराइली आबादी है, ये बागात हैं और ये उनकी फैक्ट्रीज हैं, और ये देखें कैसा खुशनुमा मंजर नजर आ रहा है। ये देखें खुदावंद का शुक्र है कि हम गलील की झील को देख रहे हैं, जैसा कि हम खुद बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है गलील की झील के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह
और उसके शागिर्द यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते रहे और इंजॉय करते रहे। और ये वो इलाका है और ये देखें आज कैसा साफ सुथरा इलाका नजर आ रहा है। सुनील की झील को आप देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ बाइबल में सुना था, पढ़ा था, मगर आज अपनी आंखों के साथ हम देख रहे हैं। ये हम खुदावंद की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि खुदावंद ने ये बख्शा कि हम इस झील को देख सकें, सामने इसराइल को देख सकें, सामने इस तरफ शाम की पहाड़ियां हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज हम गलील की झील को देख रहे हैं, वो सामने गलील की झील नजर आ रही है हमको, और ये खुदावंद का शुक्र है कि ये सामने इसराइल है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने शाम की पहाड़ियां हैं, और जैसे ही हम शाम की पहाड़ियां देखते हैं ये अपना इसराइल सामने, और इसके दूसरी तरफ वो फलस्तीन है, और चौथा मुल्क जॉर्डन है जिस वक्त हम जहां पर हम खड़े हैं। तो हम जॉर्डन में खड़े होकर इन तीन मुल्कों की सरहदें देख रहे हैं। सामने इसराइल है, इस तरफ शाम की पहाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ फलस्तीन है। सो खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि हम आज गलील की झील का नजारा कर रहे हैं जहां पर अक्सर खुदावंद यीशु मसीह आते रहे। हम इस वक्त यबीस जलाद के इलाका में मौजूद हैं, और यबीस जलाद का ये इलाका सारा इलाका यबीस जलाद का है, और इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये नाला करेत है जहां पर एलिया नबी तकरीबन 3 साल रहे, और बाइबल के मुताबिक वो यहां छुपे रहे और कौवे उन्हें यहां पर खुराक पहुंचाते थे। ये सब खुदावंद खुदा की तरफ से था कि कौवे उन्हें यहां पर खुराक पहुंचाए। और ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ जैतून के दरख्त लगे हैं, अनार के दरख्त लगे हैं, और ये जैतून और अनार नुमाया तौर पर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि हम यहां पर नाला करेत पर मौजूद हैं। ये देखे नाला करेत के इस तरफ कसरत से अनार नजर आ रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि आज इस जगह पर हम सब सलामती के साथ मौजूद हैं, और आइजक चैनल की तरफ से हम ये अवसर को दिखा रहे हैं कि हम दीपा के चश्मा पर मौजूद हैं, जहां पर बनी इसराइल कौम बुड़बुड़ाई और मूसा ने चट्टान के ऊपर लाठी मारी, क्योंकि खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि अपने मसाफात और चट्टान के ऊपर मार, और जब उसने वो लाठी मारी तो खुदा का शुक्र है कि इस जगह से मौजूदा जो आए हम मलिका के चश्मे से बाहर निकलते हैं ताकि आपको दिखाते हैं वो चट्टान जो बाहर मौजूद है। आए और ये देखें, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये वो चट्टान है मलिका के चश्मे की। पहले हम अंदर थे और अब हम बाहर हैं। ये इसलिए इसको कवर कर दिया गया ताकि लोगों को कोई नुकसान ना होने पाए। और इसके बारे में मैं पास्टर मुनीर फूल साहब हैं, उनसे कहूंगा कि वो अपने रिमार्क्स करें। किरण, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये वो मुकाम है जहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा, जिसने शैतान को मारा, जबकि खुदा ने उसे कहने के लिए कहा कि वो शैतान से कहे, लेकिन उसने शैतान को 2 बार मारा। और हम ऐद जदीद में देखते हैं कि ये शैतान जिसके बारे में कहा गया, ये शैतान मसीह था, और यकीनन मसीह अपने लोगों के साथ साथ इस बियाबानी सफर में रहा, और मसीह अपने लोगों के लिए हर जगह मुहैया करने वाला ठहरा और उनके लिए बहुत सी बरकतें अता करता रहा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एज ए टीवी का जिन्होंने ये मौका दिया कि हम इस मकाम पर पहुँचें और इस चश्मे को अपनी आंखों से देख पाएं। और खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, उसके तमाम
वादों की बाबत जान पाएं और इस चट्टान को देख करके यकीनन एक अजीब और बड़ी खुशी महसूस हुई। आइज़ैक टीवी के लिए एक बार फिर शुक्रगुजार है कि आइज़ैक टीवी को खुदा बरकत दे और जितनी इंतजामिया है और जितने भी लोग इस खिदमत में अमल पैरा हैं खुदावंद ने कसरत से इस्तेमाल करें। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक दफ़ा फिर कि इस वक्त हम अमान सेक्टरल में हैं और मैं चाहूँगा कि ये वो मकामात हैं जिनका बाइबल में जिक्र है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और मेरा ईमान है कि वो बरकत को भी हासिल कर रहे हैं और जैसा कि ये अब जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे और इन मकामात को देखेंगे तो इनका बाइबल पढ़ने का अंदाज भी चेंज होगा। इस वक्त हम ओमान शहर के ओमान सिटीजन में मौजूद हैं और ये जॉर्डन म्यूजियम है और इस पत्थर के हवाले से मैं आपको खास कर बताना चाहता हूँ कि ये वो पत्थर है जिसका बाइबल में बाकायदा जिक्र है। मूसा के हवाले से, लौत के हवाले से इसका जिक्र बाइबल में मिलता है। देखें, हम इस वक्त चार मुल्कों की सरहदें देख सकते हैं। ये सामने आप देखें, ये सामने आपको गोलान की पहाड़ियां नजर आएंगी, गोलान की पहाड़ियां जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है और ये शाम का हिस्सा है। इसी तरह हम ये सामने आ जाएंगे तो सामने ये गलील की झील, बैत सदा, कुफरे नहुम, ये सारे गांव आप देख सकते हैं और ये इसराइल का हिस्सा है। और इसी तरह हम जब लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो ये सामने जो आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं ये फलस्तीन की पहाड़ियां हैं जिन पर अब इसराइल का कब्जा है। ये सारी फलस्तीन, इस वजह से फलस्तीन, इसराइल, शाम और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो चौथा मुल्क जॉर्डन है। इस वजह से हम चार मुल्कों की सरहदें बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। ये खुदावंद का फजल है कि हम इस वक्त जॉर्डन की सरहद में मौजूद होकर इन तीन मुल्कों को देख रहे हैं। आमीन आमीन। ये यबूक रिवर है जी, यबूक दरिया, यबूक जहाँ पर जिस मुकाम पर जो यबूक नबी था वो फरिश्ता के साथ सारी रात कुश्ती करते रहे और कहते रहे कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और फिर फरिश्ता ने कहा कि खुदा ने फिर यकूब को बरकत दी, कहा आज से तेरा नाम यकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा क्योंकि तू इंसान और खुदा दोनों पर गालिब है। ये वो जगह थी जहाँ से एलिया नबी उठाया गया था। यर्दन, ओ माय गॉड, वो सामने इसराइल का इलाका, सामने यर्दन के इस पार जॉर्डन का इलाका और ये नहर के उस पार इसराइल का इलाका। ये खुदावंद का शुक्र है कि हम इस वक्त बैप्टिज्म साइट पर जा रहे हैं, यह यर्दन पर मौजूद है और बैप्टिज्म साइट पर जा रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आज वक्त है कि हमारे साथ भी बहुत से लोग हैं जो आज यहाँ पर बपतिस्मा लेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत खुश नसीबी की बात है। हालेलुया। शुक्रगुजार है कि आज आइज़ैक टीवी और पास्टर अनवर फसल के वसीला से हम यहाँ पर जॉर्डन में पहुंचे और इस वक्त हम दरिया यर्दन में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बीच में एक दीवार है, ये वो दीवार है जो जॉर्डन को और इसराइल को अलग करती है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मेरा हाथ इसराइल
नदी के पानी में है और मैं खुद तो नहीं जा सकता क्योंकि ये दीवार है। आप दुआ करें कि खुदावंद करे कि ये दीवार भी यरू की तरह खत्म हो जाए और खुदावंद एक दिन आए कि हम इसराइल के साथ मिल सके और वहां पर इंजॉय कर सके, खुदावंद यीशु मसीह की वो जगह अपनी मजीद आंखों से देख सके जैसे हम यहां देख रहे हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। इसराइल गॉड ब्लेस यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू इसराइल। आप देख रहे हैं मेरा हाथ इसराइल में है, ये पानी इसराइल में है, मगर मैं शुक्र जॉर्डन में हूं। आए इस मौका पर आज टीवी के लिए बरकत चाहते हैं। आज टीवी को खुदा बड़ी बरकत दे ताकि खुदा का नाम चलाता है। ये जॉर्डन में मौजूदा खुदा की ट्रीप और यीशु मसीह के नाम कुमारी कहते हैं। आप देखिए जब हम यीशु मसीह ने बरकत कर दिया आज हम वहां पर मस्जिद मांगेंगे। ये गलत है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो कि तूने ये शर्फ बख्शा कि आज मैं दरिया यर्दन में मौजूद हूँ और शुक्रगुजार हूँ इस सारी टीम के लिए। खुदावंद यीशु को पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँची। मेरा नाम तारिक सलीम है जी, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और इस वक्त मैं जॉर्डन ग्रुप के साथ जो आईजेक टीवी से रिलेटेड है उनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और आज हमने यहाँ पे डेड सी जो हमारी विजिट है ये हमने की है। डेड सी दुनिया में सिर्फ वाहिद एक ऐसा समुंदर है कि जो अपनी तर्ज का अकेला है और ये चारों तरफ माउंटेन एरिया है और ये दरमियान में समुंदर है। डेड सी इस वजह से इसको कहते हैं कि इसमें बाहर से एक्सटर्नल पानी किसी जगह से यहाँ ना मिलता है और ना इसका पानी यहाँ से कहीं बाहर निकलता है। तो ये दुनिया में एक ये समझे कि ये एक अजूबा है। इसका पानी जमीन में से ही निकलता है जो कि दूसरे समंदर के पानी से 5% 10% ज्यादा नमकीन है। Baba 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 ba
Praise you. जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूं खुदा के लिए हालेलुया तारीफ करेंगे यीशु ही की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे नारे लगाओ रे गाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे आगे रो हालेलुया 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 तारीफ करेंगे यीशु ही की तारीफ करेंगे हालेलुया 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 की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए विजय उठा मेरा है मसीह मेरे लिए विजय उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ हम मसीह के हैं खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 आगे ही आगे यीशु को हालेलुया जमाना होता
और ये वो दरिया है जहाँ पर यकूब और फरिश्ते की लड़ाई हुई।